नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी के वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में ऑलरेडी हम लोग एक मार झेल रहे हैं, चाहे वो डर में जीवन जीने की अभी व्यवस्था हो, चाहे से या व्यवसाय को लेकर जिस तरह से चिंताग्रस्त है हर वर्ग आज की डेट में। चंडीगढ़ में भी हालात अभी बिल्कुल सुधरे नहीं है, दिन ब दिन कोरोना के मामले हमारे सामने बढ़ते जा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे ट्राइसिटी हो। तकरीबन आज की बात करें तो 500 से अधिक मामले आज ट्राइसिटी में आ चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 325 के आसपास मामले चंडीगढ़ शहर में कोरोना के इस वक्त एक्टिव हैं। ऐसे में चंडीगढ़ अभी कोरोना से भी निजात नहीं निकाल पाया था और मिल पाई थी उसे निजात, उसके साथ साथ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम चंडीगढ़ ने प्रॉपर्टी टैक्स की मार भी व्यापारियों के ऊपर थोप दी। जी हाँ, बताते चले कि लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड पूरा ना होने का हवाला देकर नगर निगम चंडीगढ़ ने कुछ ऐसे नोटिसेस लास्ट ईयर इशू किए थे व्यापारियों को और उद्योगपतियों को, जिसमें कहा गया था कि आपका लाखों का टैक्स बकाया है। व्यापारियों ने जो वहां जाकर दफ्तरों में अपने चप्पलें घसीट घसीट कर और वहां पर वेट करके धूप में खड़े होकर और अपना रिकॉर्ड अपना पूरा मेंटेन करवाया, अपना बकाया जिस तरह से जमा करवाने की मुहिम उन्होंने लास्ट ईयर की, इस बार फिर से साल भर बाद में नगर निगम फिर जाग उठा है नए नोटिसेस के साथ में और व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं। आज का मुद्दा इसी बात पे है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिसेस नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से इशू किए जा रहे हैं व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और बाकी समाज में अलग अलग स्तर पर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो कमर्शियल एरिया, आज मुद्दा इसी पर है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज उपस्थित है इसमें नवीन मंगलानी जी, अरुण महाजन जी, अनिल गुप्ता जी, अभी भसीन जी, सुरेंद्र गुप्ता जी और कॉर्पोरेशन की तरफ से सुपरिंटेंडेंट हरमेश गुप्ता जी हमें इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। हम इनसे पूछेंगे कि क्या है ऐसा मामला, टेक्निकल क्या आस्पेक्ट है जिसमें सभी व्यापारियों में एक रोड है। मंगलानी जी आपसे स्वागत है आपका वेबिनार में। नवीन जी हमें विस्तार से थोड़ा समझाएं कि ये क्या है मामला और व्यापारियों में किस तरह का रोष आता है और क्या नोटिसेस हैं ये। नवीन जी अनम्यूट करें प्लीज। नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें कृपया। सॉरी, हमारे पास आजकल सिर्फ एक ही मुद्दा आ रहा है चेंबर पे, कहा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आवाज तो आएगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि प्रॉपर्टी टैक्स की राहत, हम एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स की राहत एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमको रिजल्ट में इन्होंने ये दिया है 20% से 25% इंक्रीज इन प्रॉपर्टी टैक्स दिस ईयर इन स्पाइट ऑफ 10% इंक्रीज लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर। और ऑलरेडी हमारा 10 गुना प्रॉपर्टी टैक्स है पंचकुला और मोहाली के अगेंस्ट, जबकि वैल्यू प्रॉपर्टी की 1.5 times होगी चंडीगढ़ की पंचकुला और मोहाली के। एक तो इन्होंने वो बढ़ा दिया 10 गुना पहले ही है, 20% और बढ़ा दिया, और ऊपर से अपना ये जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। जब मेरे को बिल एक्सपेक्ट होता है कि 15,000 का 20% इंक्रीज लगा लो, चलो 18-19-20,000 हो जाएगा, और बिल आता है जी 2.5 लाख का, जिसका 45,000 बिल आना है उसको आता है 12 लाख का, जिसका 70,000 बिल आना है उसको आता है 2,90,000 का, किसी को 5,05,000 का। तो मतलब वो इतनी हैरेसमेंट है, और ये उनके केसेस में बता रहा हूँ सारे, 70% ऑफ द केसेस से ज्यादा बिल गलत है, 5 से 10 गुना 20 गुना मल्टीप्लाई करके बनाए गए हैं बिना अपडेट करे रिकॉर्ड। लास्ट ईयर 31/3/19 को जिनकी जिनकी क्लियरेंस हो गई थी उनके सारों की मैं बात कर रहा हूं, 31/3/19 की क्लियरेंस हो गई थी और कमिटमेंट करी थी इन्होंने कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। 2 साल से उधर जाके टेबल के आमने सामने बैठ के एक एक रसीदे दिखा के, क्योंकि ये लोग शुरू हो जाते हैं 2004 से, 2004 में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा जी, 2004 की कोई डिफरेंस था तो पहले 15 साल ये सोए रहे, मांगा नहीं, अभी 15 साल बाद पता लगा कि एरियर भी है, उस पे इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट की प्रॉमिस कर दिया कि चलो हमारी गलती है, हमने पहले मांगा नहीं, इंटरेस्ट वेव। ठीक है नवीन जी अनम्यूट करें, म्यूट हो गए। ये कुछ एरिया जिन्होंने नोटिफाई करे हुए हैं जोन, ये दूसरा पॉइंट बोलूं जी मैं, दूसरा पॉइंट
ये तो मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, हैरेसमेंट है, इनको अपने आप खुद ही चाहिए, जब मैं हम बोल रहे हैं कि आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें बिना बिल ना भेजो, फिर भी बिल भेजे जा रहे हैं। अभी भी जैसे जैसे बिल आ रहे हैं इनकी लिस्ट। ये फिर से म्यूट हो गया है नवीन जी। मेरा बीच में फोन आ रहा है। नवीन जी, चर्चा हम करते हैं। एम ए ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल हैं बिल्कुल। पहले मैं दूसरा पॉइंट बोलूं जी। दूसरा पॉइंट, कुछ पॉकेट्स इंडस्ट्रियल एरिया की गलत जोनिंग हुई है। जोन ए में रखा हुआ है इन्होंने, वो जोन बी में एक साल हमको लग गया जोन बी में ठीक कराते कराते। दिसंबर 2018 में एमसी मीटिंग में पास हो गया कि ये जोन बी होना चाहिए। मार्च 2019 में लेटर गई इनको एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हमने डिसाइड कर दिया ये एरिया जोन बी होना चाहिए। आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुई, हम दो साल से वो। सर अनम्यूट करें। मैं पॉइंट भी चारों पॉइंट बोल दूं जी, तीसरा भी बोल दूं। सर एक बार हम बाकी राय भी ले लेते हैं। मुझे लगता है आपके दो पॉइंट हैं बड़े वैलिड पॉइंट हैं, जिसमें आपने कहा कि पंचकुला और चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से डिफरेंस है, एक तो जो टैक्स वसूली के अंदर, दूसरा आपने जोनिंग को लेकर भी क्वेश्चन मार्क किया। अरुण महाजन जी हमारे साथ हैं, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को। अरुण जी, कैसे है ये मामला, जिस तरह से नवीन जी ने ये बात रखी है, आप किस तरह से इस चीज को आगे देख रहे हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी। मैं तो यहाँ कॉर्पोरेशन से, यहाँ से कौन आया, वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है कॉर्पोरेशन का? हरमेश गुप्ता साहब है, सुपरिटेंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी, जो ऑफिस जाने ना उत्थे किते पहचान ले करो, उत्थे अद्धा अद्धा घंटा सानू लंबा ही खड़े रहना पैंदा एक एक घंटा। मेरे कोल कदे भी सर कोई, मैं वेट नहीं करांदा, जेड़ा मर्जी अंदर आ जाए। अच्छा, नहीं मतलब लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर भी असि आए हैं, सारा रिकॉर्ड अप टू डेट दिता है, तुहाडे कोल रिकॉर्ड है नहीं, तुसी साडे कोल मंगिया सी दे दिता, उहदे बावजूद पिछले साल का जिहड़ा बिल आया था दैट वॉज 33,915 रुपए, और इस साल बिल भेज दिता 9,46,486 रुपए। इहदा हुण आंसरेबल कौन है, पहले तो यह दसो इहदी जिम्मेवारी कौन है, मतलब उस बंदे नूं पेनल्टी लगाई जावे जिन्हें जिन्हें इतने गलतियां कीतियां। इदां दे जिहड़े भी कोई केस मेरे नॉलेज आ रहे हैं, इक तां है एरिया दी डिफरेंस करके जिहड़े एरियाज नहीं, एरिया देखो जी पिछले लास्ट ईयर तुसीं रमेश जी अगर सारा अप टू डेट लै लिया एडमिनिस्ट्रेशन दा हुण जवाब आया, उन्होंने कुछ क्यूरीज लगाई है, कल ही जवाब आया शाम नूं साडे कोल, ओदी क्यूरीज दा असीं जवाब दे के वो राइट ऑफ कर देंगे। सर जिहड़ा लास्ट ईयर तुसीं जिहड़ा ठीक कीता उहनूं इस साल फिर दोबारा सारा गलत किस तरह बनाता, पिछले साल भी इह चीज़ां तुसीं कीतियां सीगियां, उह हर एक एक बिल, मैं मतलब मैं पर्सनली देखो किन्नी वारी असीं इत्थे आ सकदे आं। महावीर जी, इन्हां नूं ये चीज पुछी जावे कि लीगली किन्ने साल दा पिछे साडे कोलों लै सकदे आ, ओह जिहड़ा इंटरेस्ट दा कह रहे हैं ना, ओह सेपरेट मुद्दा है। जिन्हां ने सारा इंटरेस्ट एरियर क्लियर कीते, मैं ते सिर्फ उहनां दी गल कर रहा, सारिआं नूं ही बिल वध आ रहे हैं। एक चीज होर दसो, तुसी लीगली साडे कोलों मेंबर्स कोलों किन्ना पिछे जा सकते हो, मतलब ये तो नहीं कि तुसी आज तो 50 साल पहले तुसी लगा लो, तुसी मेरे तीन चार साल, मेरे इनकम टैक्स दे विच भी पंच, मेरे का किन्ना टाइम हुंदा, 6 या 7 साल पीरियड हुंदा, उस तो पिछे भी नहीं जा सकते, 7-8 साल उस व्यापारी को एकदम से नगर निगम फिर से ऐसे बड़े हुए नोटिसेस डाल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी के साथ कोई ना कोई नाइंसाफी तो नहीं है। और अगर कॉर्पोरेशन अगर इस तरह के नोटिस भेज रहा है तो ये तयशुदा बात है कि आपने कुछ लिखा पढ़ी करके या पुराने दस्तावेजों को जांच कर ही इस तरह का आउटस्टैंडिंग निकाला होगा। लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि क्या
लास्ट ईयर जब हम ऑलरेडी एक रिकॉर्ड अपडेट करवा चुके हैं कॉर्पोरेशन के साथ में लग के और हमारे ड्यूज हमने जमा किए हैं, तो ये अचानक फिर से क्यों? इसी पे ही चर्चा। अब हमारे साथ एमपीएस चावला साहब होटलियर हैं चंडीगढ़ शहर से। एक मिनट जैन साहब, एक इशू हो रहा है, बड़े सारे मेंबर्स का फोन आ रहे हैं। एक मिनट चावला साहब होल्ड करो, बड़े सारे मेंबर्स का फोन आ रहा है। पर्सनली कहते साड़ी एज 65-70 साल हो गई है, सानू क्या हुण तुसी उत्थे एक्सपेक्ट कर दे एमसी ऑफिस जाना इस स्टेज ते? मेडिकल क्लेम भेज देन, हां भी किसी नूं हार्ट अटैक हो गया तो असीं जिम्मेवार हां, 10-20 crore की पॉलिसी नाल लगा के भेज दो। अरुण जी आपके पास मैं फिर से आऊंगा, बबला जी जुड़े, मैं बबला जी का वक्तव्य लेना चाहूंगा क्योंकि बबला जी ऑलरेडी शहर को बहुत अच्छे से जानते हैं। सर बबला जी दी उत्ते सुनदा कोई नहीं, बबला जी दी पार्टी दूसरी है। बबला जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सारा सुनदे कौन नहीं सुनदा भाई जी? हेलो जी, जी बबला जी हम सुन पा रहे हैं आपको। सुनदे मेरी है और की दी सुनदे है? भूल गए तुसी जदों तुहानू अपना प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा ला के भेजिया सीगा एक साइड ते आई अभी मशीन वाली लाइन च नवीन मिगलानी जी गवाह है, किन्ने बचाए सीगा वो? देखो ठीक है लो बाबा जी, सारे टैक्स तो माफ कराए सीगे। इस तरह इस टाइम नगर निगम कारपोरेशन का कोई वाली वारस नहीं है। चार बारी गवर्नर साहब को लिख के मैं भेज चुका कि कारपोरेशन को भंग कर दो, क्योंकि इतने कोई काम नहीं हो रहा। अफसरशाही जी है हावी हुई हुई है, कोई गल किसी की जरा है सुनता नहीं है। और तरे आप मतलब जेडे टैक्स दे चुके असी ओना दे भी नोटिस कढ़ी जा रहे बार बार, जे तो किसी को रसीद हैगी तो बेचारा बच जाता है, नहीं तो फिर टैक्स को ले जा रहे है। पैसा इन्ना कट्ठा कर लिया इन्होंने, जब डिवेलपमेंट की गल आती है कहते साडे को तो तनखान देने वास्ते भी पैसे है नहीं गे, ये हाल है कारपोरेशन का। ये जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं बबला साहब, मैं इस मुद्दे पे फिर से आना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो बढ़ के गए हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन में लास्ट ईयर अगर सभी व्यापारियों ने अपडेट किया था तो नोटिस क्यों इशू है? अगर मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि कुछ लोग हर पार्टी के साथ लोग जुड़े होते हैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए इस टाइम जो भी अपना नगर निगम के ऊपर जो है वो बीजेपी के पास है, वो काबिज है, ठीक है। हमने 15 साल जो है कॉर्पोरेशन चलाई, उसके अंदर जब प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हुआ था तो हमने पूरा विरोध किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। प्रशासन ने जबरदस्ती जो है 1 रुपये से जो है पर वो जो लगाया था, उसके बाद बढ़ते 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 अभी देखिए पीछे 25% और बढ़ा दिया, ठीक है। हम विपक्ष में है, हम सिर्फ 5 लोग हैं, 22 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता, उनके बारे में मैं कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब हम चुनाव लड़े थे हमने ये कहा था, हमारा भी एजेंडा यही था, भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा था कि हम शहर के ऊपर कोई भी टैक्स लगने नहीं देंगे, और अगर कोई लगेगा पीछे के टैक्स को हम कोशिश करेंगे कि पीछे के टैक्स को भी हम माफ करें। अभी आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए कितना बढ़ गया है, पार्किंग के रेट देख लीजिए कहाँ पे चले गए हैं। पर आज मुद्दा जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का है, बिल्कुल शरेआम धक्का शाही हो रही है, कोई इसका वाली हमें जो है ये प्रॉपर्टी जो बढ़ गए हैं उसको प्रॉपर्टी टैक्स। अभी आप देखिए एक मिनट सर, हमने गवर्नर साहब से अपील की थी सर, एक मिनट हमने गवर्नर साहब से अपील की थी, आपको लेटर भी दिखा देता हूँ कि जी कोविड के टाइम पे व्यापारी वर्ग जो है वो बिल्कुल कुचल गया है और अभी तक कुचला जा रहा है और आने वाले टाइम पे भी कुचला जाएगा, क्योंकि अभी तक दिसंबर तक कोई संभावना नहीं है कोई बिजनेस खड़ा हो जाएगा। हमने ये कहा था जी कि प्रॉपर्टी टैक्स बिजली के और पानी के बिल जो है आप कम से कम 3-4 महीने जो है वो उसको माफ करने चाहिए, पर इन्होंने कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं की। धन्यवाद, आप बोल लिया बाप। चावला साहब आप होटलियर और शहर को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स अब ये बढ़ा के करीब करीब भेज दिए हैं। बबला साहब का कहना है कि हमने मांग रखी थी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे ही ना, लेकिन उसके उलट कॉर्पोरेशन जो है वो करीब 20% तक बढ़ा के अब नोटिसेस भेज रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? नमस्कार जी, और आई एम थैंकफुल टू अर्थ प्रकाश, बबला जी, अभी जी, सारे मेरे फ्रेंड्स है, सबनों सत श्री अकाल।
ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਬਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਈ ਪੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नवीन जी ने शुरुआत में अपनी चर्चा में बड़ी अच्छी बात कही कि चंडीगढ़ में अगर किसी प्रॉपर्टी का 20,000 रुपए टैक्स दिया जा रहा है, तो उसी उतनी ही प्रॉपर्टी जो कि पंचकुला में उतनी ही साइज की प्रॉपर्टी होगी, तो उसका 2,500-3,000 क्या 10 गुना कम है पंचकुला में, जबकि डेवलपमेंट के मामले में तो देखा जाए तो कहीं कसर नहीं है पंचकुला में। 22 जिलों का राज्य हरियाणा, 3 करोड़ के आसपास जनता है, यहाँ पे 13 लाख की जनता नहीं है, वो भी यूनियन टेरिटरी का सारा फंड आता है केंद्र से। गिव मी अ मिनट, उनका सिस्टम, गिव मी अ मिनट, उनका सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, 10% रिबेट है, 10% एक्स्ट्रा रिबेट दे रहे हैं। जो आदमी ने लास्ट 3 साल टाइमली पेमेंट करी है, इस साल वो 20% रिबेट दे रहे हैं, और एक भी गलती नहीं है उनके, मेरे कोई प्लॉट्स में तो नहीं है, मेरी कोई आसपास नियर एंड डियर वंस में किससे के भी प्रॉब्लम नहीं आई ऑनलाइन। नवीन जी, पूरा अपडेटेड है उनके रिकॉर्ड्स। और हम स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में रह के जिसको बहुत स्मार्ट समझते हैं, अभी तक हम ऑनलाइन ही नहीं पेमेंट कर सके, 118 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हमारे मोदी साहब कहते हैं कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से डिस्काउंट दो, ये सिर्फ चंडीगढ़ एमसी है जो चार्ज लेती है, सर चार्ज संपर्क में भी देते, रेजिडेंशियल में नहीं ले रहे, पानी बिजली में कुछ नहीं ले रहे बिल का, इंडस्ट्रियल कमर्शियल के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में 118 ले रहे हैं। अगर ये संपर्क को 100 रुपया दे रहे हैं, अपनी पॉकेट से दें, वी आर नॉट कंसर्न, कलेक्शन करनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इनको जहां कहेंगे ये दफ्तर में भी जमा करवाते हैं, संपर्क में भी जमा करवा सकते हैं, हमको बाय एक्स्ट्रा सरचार्ज होना। थैंक यू। अनिल गुप्ता जी आपके पास आते हैं। अनिल जी, जो चर्चा का अभी जो विषय चल रहा है वो यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से थोपे जा रहे हैं व्यापारियों पर, आप खुद व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ में, क्या कहना है आपका इसमें? आप अनम्यूट करें प्लीज। जी हेलो, जी हम सुन पा रहे हैं सर। पिछले साल भी हमने इंटरेस्ट वगैरह सारे चक्कर लगा लगा के इनका काम पूरा कर दिया था, अब दोबारा फिर इन्होंने टैक्स जो है इंटरेस्ट लगा के सारा लगा के दोबारा भेज दिया। अब तो बीमार आदमी भी वहां चक्कर गर्मी में जाएंगे, चक्कर मार मार के थके हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी, अगर सपोज आप जाते हैं वहाँ बात करते हैं अगर, तो वही पेपर लेके आओ, पिछले साल के सीधे लेके आओ, जो जो आपने वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया वो हमने पिछले साल दिखा चुके हैं। पर एक तरफ तो सरकार कहते हैं कि हम लोग अब सरकारी डिपार्टमेंट्स में पेपरलेस वर्किंग में है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है डेटा। नहीं वहाँ जाओ तो पता चलेगा ना सर, वहाँ जाएंगे तब चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब बात बनेगी। अब तो हमने चक्कर लगाने शुरू नहीं किया, अभी तो हमारी एसोसिएशन ही काम कर रही है, तो इसके हम बैठे हैं, क्या बनता है, फिर हम जाने शुरू करेंगे वहां पर। कितना आपको अभी कब रिसीव हुआ है आपको ये नोटिस? मुझे आया ये फ्राइडे को आया शाम को। और लास्ट ईयर आपने कंप्लीट अपना डेटा वहां पे फिल करके पूरा पेमेंट जमा करवाया था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मैंने करवाया है जी, ये 31/5 को जमा कराया। तो मतलब अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर आपने पूरी बुक्स अपडेट कर दी थी चंडीगढ़ नगर निगम के साथ बैठकर, अपना सारा पूरी फाइलें मैं खुद चेक करा के आया 2004 से लेके पिछले साल तक। और 2 लाख नगर निगम अब आपको फिर से नोटिस सर्व कर रहा है उन सारी बातों को दरकिनार करके जो लास्ट ईयर आप वहां बैठकर करके आए थे। पिछले साल भी 2,45,000 मुझे लगा के भेजा था, मैंने उतने यार इंटरेस्ट जमा कराया था। इसका अच्छी जी ये बताऊं, इसका प्रॉब्लम इनके प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं है। इनिशियली मैंने 3-4 केस इनको दिए, हरमेश जी को सामने बैठे हैं, इन्होंने मेरे को सुबह दिया, शाम को बिल ठीक करके दे दिया, मैंने कोई रिसीट नहीं दी। That means record सारा है, उधर इनके end पे कोई hitch है या system updated नहीं है, तो वो एक ही बार ठीक करके क्यों नहीं bill भेजते? That means इनके problem बिना receipt के ठीक कर सकते हैं। They don't want to do it। नवीन जी answerable कौन है उधर? वो हूँ हरमेश जी दसंगे ना। हरमेश जी ठीक भी कितने bill? जैन साहब,
ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 500 ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ आज की जो मीटिंग है मेरा उसमें ये मैं ये बेनिफिट चाहता हूँ कि ये मीटिंग हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आपके जो कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं ऑनलाइन वो ये आज हमें बता दें कि वो इसका क्या हल कर रहे हैं ऑन द स्पॉट तक हम आगे मैं पब्लिक को बता दें सबको अपने मेंबर्स चावला साहब जिन्होंने बिठाया था उन्होंने पावर पूछनी तुम की गल कर दे दसना की इलाज है वो कहेगा जी मैं उतो पूछ के दसना जवाब किने देना जवाब किसी ने कुछ नहीं देना सुरेंद्र गुप्ता जी आप हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं क्या है मामला जरा बताइए सुरेंद्र गुप्ता जी से बातचीत करते हैं जरा क्योंकि आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शहर में आपके पास भी नोटिस हुआ है इस तरह का इमीडिएटली प्रॉब्लम है ना दैट इज फॉर इंक्रीज इन द बिल्स एंड वी विल कंसंट्रेट ऑन दैट ओनली बाकी बातें जो होती है बाद में कर लेंगे मेरे कहना मतलब ये है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना हू शुड ऑन द फ्लीट एंड हू हैज इशूड द बिल्स सिर्फ ये जो बिल का इंक्रीज है ना जो एबनॉर्मल जो चीजें उन्होंने करके भेजी है वो ठीक कराने की चीज कुछ नहीं है हमारे को ना सुरेंद्र जी साडा काम है ठीक करा वो साडे कोल आन जगह जिस चावला साहब कहंदे हर हर प्रिंसिपल नहीं जिहड़ा बंदे ने बिल इशू कीते हैं उन्होंने पर्सनली रिस्पोंसिबल करना चाहिए और प्रॉपर्टी टैक्स कोरोना काल में ना लिया जाए ये भी हम मुद्दा रखेंगे आदमी है जिन्हें गलती की बिल्कुल चीजा ठीक नहीं होनी सानू लीगल ओपिनियन लेना चाहिए कोर्ट च जाइए नवीन जी अगर मैं आपसे पूछूं तो आगे आने वाले समय में आगे का कैसे देखेंगे मामला क्योंकि अब प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ा के उन्होंने दे दिया उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया है तो अब आप क्या एडवाइजर से या एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर इस मुद्दे को उठाने की कवायद करेंगे नहीं नहीं जो सुरेंद्र जी जैसे कह रहे हैं ना इमीडिएट प्रॉब्लम तो जो है वो कह रहे हैं कि हम आपसे सारी करेक्शंस करते हैं गलती मान रहे हैं वो जी गलती मान रहे हैं कि गलती हुई है मैंने वही बोला था इनको कि फिर बिना फर्दर रोक लिए जाएं बिल पहले चेक करके दोबारा वेरीफाई करके फिर ही भेजें क्योंकि हमने रिकॉर्ड बात वही आती ना जैसा कि ठीक कर रहे हैं वहां पे फिर जाइए लाइनों में खड़े रहिए धक्के खाइए बात वही रखी गई है कि जो व्यापारी है वो तो परेशान होगा ही होगा महावीर जी हमारे एंड पे रिकॉर्ड लेके डिप्यूट करे कोई बंदा और हम यहाँ ठीक करवाएं और इधर एक्शन लेना चाहिए जिसने एक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से ये गलती हुई है 2 साल से हो रही है जैन साहब जी अरुण जी कुछ कह रहे हैं जैन साहब इन बिटवीन नवीन प्लीज एक्सक्यूज सुरेंद्र करो अनम्यूट एक मिनट नवीन अच्छा हुनी इन बिटवीन साडे एक मेंबर है मिस्टर गोयल और 4 दिन तो फोन कर रहे हैं फिर फोन आ गया कहते जी मैं 70-75 साल का हो गया मैं कितने जावा उत्ते कहते लास्ट ईयर भी ठीक करा लिया उस तो पहले भी ठीक करा लिया मतलब इदा आंसरेबल कौन है सानू तो पता लगे जिम्मेवारी की दी है देखो मीटिंग में से ऐसे निकल गए वो हरमेश गुप्ता जी ये कोई तरीका है चावला साहब लेकिन इसका अब कोई तो निष्कर्ष निकलेगा ना अब ये तो लेने के बाद फिर वहीं से वहीं आ गई है कि परेशानी जैन साहब इसका एक इलाज तो ये है इमीडिएटली ऑनलाइन पे सिर्फ जो करंट ड्यूज हैं इस साल के वो डाल के इनको पेमेंट लेनी चाहिए और पुराने वाले का उनको कुछ सिस्टम बना के पब्लिक विदाउट पब्लिक आए उसका कोई इलाज निकाल ले
ये जो 15 दिन सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उसमें राहत देने की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, तो आज हम यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीज के ऊपर मुद्दा लेके बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आई ये बात कि सरकार किस तरह से कर रही है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर ले तो केंद्र सरकार से सीधा संबंध रखते हैं यूनियन टेरिटरी, और जितने भी रूल है केंद्र सरकार के यूटी में आते हैं, तो वो 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया जहाँ पे हमें राहत व्यापारियों को देनी थी, वो कहाँ है? भसीन साहब आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे हमें, जहाँ पे केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज बात कर रही है पूरे देश में देने के और यहाँ पे लाखों के बिल बना के भेजे जा रहे हैं नोटिसेस? सर पैकेज का किसी ने कुछ मिले भी है जा खाली जबानी तुसी पैकेज की गल्ला कर रहे हो? पैकेज अपनी पैकेज दा भी अपने अभी अपनी पावर लिमिट बहुत बड़ी लिमिट एक्सटेंड होएगी, जरूर होएगी लिमिट एक्सटेंड। नहीं कर रहे भरा, बैंक वाले नहीं कर रहे पे लिमिट, बैंक नहीं कर रहे। देखो मैं और जैन साहब नाम मिल के आए हैं, सानू तो बाबा जी का ठुल्लू मिलया मैं दस जी, दसो तो किसे नहीं हो रहा, मैं नाल चलता हूं, सब कुछ हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैकेज। हां जो प्रॉपर टैक्स की प्रॉब्लम आई है मतलब वी आर वर्किंग ऑन दैट, और ओ अभी जी वर्किंग करते करते टाइम निकल जाना, फिर इन्होंने 25% एक्स्ट्रा मंगल लग पेना है। एक बार बबला जी से पूछ लेते हैं, पहला भी सॉल्व अभी मतलब करांदे हैं, बबला साहब अब भी सॉल्व होगा अभी नहीं, पर पहले सिचुएशन हो सेगी, कोविड के बीच बड़ा मुश्किल हर बंदे लिए अच्छे जाना। बबला साहब मुद्दा चर्चा का वही है, आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, एक तरफ 20 लाख करोड़ के पैकेज केंद्र सरकार दे रही है और दूसरी तरफ चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी आता है, किसी राज्य के अधीन नहीं है और सारी व्यवस्था यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से लागू होती है, और यहाँ व्यापारियों को एक तरह से हैरेसमेंट के रूप में लाखों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, कहीं ना कहीं ये जुड़ाव नहीं हो सकता कि जहां 20 लाख करोड़ की बात करके बहुत बड़े लेवल पे सहूलियत देने की बात करी जा रही थी समाज के हर वर्ग को, तो व्यापारी जो कि कहीं ना कहीं एक मजबूत पिलर के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में खड़ा होता है, आज उसकी कमर तोड़ने के लिए इतने बड़े बिल भेज दिए गए? आपको किसने कहा कि 20 लाख रुपया जो है, अगर 20 लाख रुपया मजदूरों को बांटा होता तो प्रवासी यहां से मैंने बात करी है, नहीं नहीं बबला जी मैंने बात करी है 20 लाख करोड़ का पैकेज जो केंद्र सरकार ने दिया है इस वक्त अर्थव्यवस्था को चलायमान करने के लिए। किसको दिया है आपको? किसको दिया है? किसको बताइए ना, किसको दिया है आपको? मिला या जित जिन्हें हथे है किसी के अकाउंट पैसे आए हैं जी, और मिलना देना तो पता चले ना कि हाँ जी किसी को मिला। अगर आज वो सहूलतें मिली होती तो आज शायद आप आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ना बैठे होते जी। आप तो खुद सदन में हैं, सदन रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये पता क्यों है? एक मिनट सर, चंडीगढ़ के अंदर मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है क्या? अफसरशाही आज तक कोई मिला नहीं, किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं और जहां पे जो भी इनके मन के अंदर आता है वही कानून लगाकर उसकी नोटिफिकेशन करके शहर की जनता के ऊपर जो है वो उसके ऊपर लागू कर देते हैं। आज हर वर्ग चाहे पति है, आप खुद देखते होंगे अगर आप पेपर चलाते हैं जहां सभी करते हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते होंगे, आज हर आदमी जो है आज वो त्राही त्राही कर रहा है। आज इनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है बिल्कुल बंद हो चुकी है, और यहाँ से आप देखिए एक प्राइवेट आदमी ने सेक्टर 82 के अंदर जेएलपी वाले ने वहां पे प्लाट काटे और वो इंडस्ट्री कामयाब हो गई, इसका क्या रीजन है? का मतलब प्रशासन इस इंडस्ट्री को कुचलना चाहता है, दबाना चाहता है, और उसके ऊपर ये तो एक प्रॉपर्टी टैक्स है। आपने खुद देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर या जितने बिजनेसमैन यहाँ पे काम करते हैं उनके बिजली के बिल देखिए कितने आते हैं। एक बिजली का बिल आता है उसके ऊपर एक FSCC क्या है वो 20-25 हजार लागू कर देती है। आपका जहां से जो भी व्यापार मंडल का एक आपने जो भी चुनेता वहां पे भेजा है वो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, मुझे कहने में ग्रेज नहीं है, उससे अच्छी आवाज तो मेरा छोटा भाई अभी उठा लेता है। तो कांग्रेस अभी व्यापारियों के साथ किस तरह से खड़ी है बबला जी? कांग्रेस पहले भी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। आप देखिए 15 साल पुराना केस निकालिए ना, आज 10 साल से हमारे शहर में माननीय हमारी बड़ी बहन किरण खेर जी है, बीजेपी का यहाँ पे राज है, उसके पहले का आप निकाल लीजिए सभी, उद्योगपतियों को मुश्किल आई बताइए, अगर किसी को मुश्किल आई हम ऑन
वो बता सकते मुश्किल है। एमपी काम नहीं करना चाहते, काम करने का तरीका होना चाहिए। क्या आने वाले समय में आप व्यापारियों का ये जो दर्द है ये आप उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे? सर अगर मैं 30 सेक्टर के एक छोटे से वर्ग के लिए वहां पे खड़ा होकर उनकी सीलिंग को जैन साहब बबले नु ते राती 12 बजे फोन कर दो भी नाल जान नु तैयार होता बबले दा मुकाबला नहीं कोई कर सकता हुआ है कि जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे जहां भी मुझे जी बबला इज अ यूनिक लीडर बबले दे छोड़ो बबले दा कोई मुकाबला नहीं करेगा अरुण जी। लेकिन मुद्दा अभी एक्चुअली वैसा का वैसा ही है कि अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ा दिए आप कॉर्पोरेशन दे के राजी हैं भी आप खड़ा करना चाहेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। बसिन साहब आने वाले समय में क्या लगता है आपको कैसे रहेगा सिस्टम? सिस्टम बेटर होगा जी, सिस्टम बेटर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा जी। ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है ये आने वाले इलेक्शन 2-3 दिन के अंदर ये कुछ ना कुछ पारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत लगे हुए हैं और एक अलग कैंप भी हम ऑर्गेनाइज करने की ट्राई कर रहे हैं दशहरा में, जो कि प्लॉट नंबर वाइज किया जाएगा, जिसमें मतलब ज्यादा ना बढ़ा जाए, एक से लेकर मतलब 100 नंबर प्लॉट तक एक दिन लगाएंगे, उसके बाद फिर कैंप लगाएंगे, कोशिश ये कर रहे हैं। 25% प्रॉपर्टी टैक्स आपको आपकी नॉलेज में है, अगर आपको आगे होंगे लेटर उसमें 25% बढ़ा दिए। कैलाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैलाश जी व्यापारी वर्ग को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और भाजपा से भी आपका संबंध है, कैलाश जी कुछ बताएं इस बारे में कि क्या है ये व्यापारियों में इतना रोष क्यों है आज शहर में? देखिए मैं एज व्यापारी एक बात करना चाहता हूं, सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं करना चाहता। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी चर्चाएं आपने सारी सुनी, मैं काफी देर से देख रहा था आप बिल्कुल मौन होके हर चीज हर प्रॉब्लम सुनी, चाहे वो नवीन जी ने बताई हो, अभी भसीन साहब ने भी बात रखी, अबला जी भी रख रहे हैं। क्या है ये मुद्दा और इसको सोल्यूशन कैसे आएगा, ये आपके रहते हुए सरकार रहते हुए कैसे हो रहा है ये? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स 2004 में लगा और 2015 तक प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिकवरी थी या जो लोगों से लेना था जो भी रहा है जिसकी भी जिसने भी शासन किया है ध्यान नहीं किया हमारे प्रकाश के माध्यम से ये पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों के बिल ज्यादा आ गए हैं, तो पिछली बार भी ये सब हुआ था तो हमने इसको सही मुद्दे को सही स्थान पे लाकर उसको हल करवाया था, और अगर ऐसा कुछ है तो इसको चेक करवा के इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करवा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। थोड़ी ऐसा तो हो चुका है, आप 2000 तो बोलना ना, जितनी भी अगर तो आप बोलिए मत, क्योंकि नोटिसेस तो सब हो चुके हैं और उसी हाउस में जहाँ पे भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे अभी बैठे हुए हैं, वहीं के अधिकारी ये नोटिस के प्रिंटआउट निकाल के व्यापारियों को भेज चुके हैं जहां पे लाखों रुपए का बोझ डाल दिया है। एक तरफ कोरोना काल में सरकार कहती है कि जी हम आपको ये पैकेज दे रहे हैं उसमें ये सहूलियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पे लाखों रुपए के नोटिस भेजे जा रहे हैं। विनोद जी ये विरोधाभास समझ नहीं आ रहा। ये विनोद जी भी तो उसी टाइम साथ ही थे जब प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया गया था, विनोद जी आपने भी तो हाथ खड़े इसका समर्थन किया था, हमने तो इनका वॉकआउट किया था, इसके अंदर हमने सारा कंप्यूटराइज किया है, अगर कहीं किसी तरह की गलती है उसको चेक कर लेते हैं और इसको सही करवाना सारा नगर काम हुआ है। विनोद जी हम भी यही बात कर रहे हैं, अगर कहीं गलती है, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन में सभी व्यापारियों ने एक बात कही कि पिछली बार भी हमने धूप में खड़े होकर लाइन में लगकर अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाया, जो ड्यू बनता था हमने मैच करवाए सारे रिकॉर्ड, सभी व्यापारियों ने एक आवाज में ये बात कही जी जी। तो फिर से भेज दिया गया और हवाला फिर इसी बात का दिया जा रहा है कि अच्छा आप ले आइए हम देख लेते हैं हम रिकनसाइल कर लेते हैं, तो ये मेरी जैसा पढ़ा लिखा शहर। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी नॉलेज में आज प्रकाश के माध्यम से बात आई है, मैं इसको खुद जाके भी चेक कर लूंगा, बाकी एक बार हम इसको देख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से हमने उन्हीं लोगों से पैसे मांगे हैं, हो सकता है कोई दूज बाकी रह गए हो
तो उसमें वो जब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है तो हो सकता है कुछ पीछे कुछ बकाया रह गया हो, कोई इंटरेस्ट रह गया हो, कोई पेनल्टी रह गई हो, तो उसकी हमने डिमांड की हो। वो नहीं, 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 हमारे साथ मैं बता दूं आपको, व्यापारी साहब बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी कमिश्नर साहब के यादव जी से भी रोज बात हो रही है, मेरी मिस्टर अनिल गर्ग जो एडिशनल कमिश्नर प्रॉपर्टी टैक्स है उनसे बात हो रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है और अभी कह रहे हैं हम ठीक करवा देते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी आएगी, वैसे 1000 से ज्यादा आएगी, वो ये 2 महीने तक ठीक ही नहीं करवा सकते और फिर कहेंगे पुराने हिसाब से अपना जो आपका ये करंट ईयर का बिल चेक दे दो, उन्होंने मान लिया चेक दे दो, लेकिन रिकॉर्ड फिर वही का वही रहेगा। 3 साल से हम रिकॉर्ड ठीक करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं और एवरी ईयर वो गलती रिपीट हो रही है और वो ये मान रहे हैं। यहां पे रखूंगा, बिल्कुल आपने एक बात कही थी चर्चा के शुरुआत में, विनोद जी आप मुझे थोड़ा सा इस पे गाइड करें। नवीन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यूनियन टेरिटरी में जिस साइज के प्लॉट के करीब तकरीबन 18-20 हजार रुपए टैक्स दिए जा रहे हैं, वहीं वहां पे 10 गुना कम 2-3 हजार रुपए दिया जा रहा है। उस 20 हजार वर्सेज 2-3 हजार रुपए के टैक्स को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, इतना भारी डिफरेंस क्यों? नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, 2004 में प्रॉपर्टी टैक्स लगा, 2004 से लेके 2015 तक इस टैक्स की जो हमारे को कलेक्शन करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या कारण है, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। 2016 से लेकर और आज तक हमने उसके ऊपर जोर दिया तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स को इकट्ठा करना शुरू किया। अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा है इसके अंदर अब पिछले साल से इसका कंप्यूटराइजेशन सारा हुआ है, वो सारा काम हुआ है। उसके बारे में भी मैं बोलना चीज चाहूंगा, 2004, 2005, 2006, 2007, 2003 साल हमने सेल्फ असेसमेंट में पेमेंट करी। सेल्फ असेसमेंट मतलब हमको जितना पता था हमने कर दिया, वो पेमेंट उन्होंने ले ली। 2007 से उन्होंने अपना बिल देना शुरू कर दिया, 2015 में इन्होंने एरियर लगाए 2004-5-6 के आपने गलत जमा करवाया था और 15 साल का इंटरेस्ट दे दो और ये डिफरेंस है ये दे दो, वो हमको सेल्फ असेसमेंट का फिर करवाया क्यों? जे खुद ही इन्होंने अपने हिसाब से अलग लगवाना था, 15 साल बाद इंटरेस्ट कोई लगा सकता है ये? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2006 में नवीन जी 2006 में ये खुद कह रहे हैं जी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा, जब 2006 में इन्होंने असेसमेंट करवाई, 2006 में जो है 2006 से असेसमेंट शुरू हुई है और 2004 के जो है ये अभी निकाल रहे हैं, 2004 से लेके अभी 2020 है, 16 साल हो गए हैं। 16 साल के अंदर इनको पता ही नहीं लगा कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से लिया है या नहीं लिया, उसके बाद उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ये किसकी नालायकी है? 2004 से लेके 2015 तक सरकार में कौन था, नगर निगम कौन चला रहा था? विपक्षी साथियों को मैं पूछना चाहता हूँ, वो नालायकी किसकी है? अगर उस समय से काम ठीक हुआ होता तो आज हमारे व्यापारियों को, बीजेपी कांग्रेस आप किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं तो ऑफिसर्स को बोलता हूँ कि उनकी गलती है, वो उनकी डायरेक्शन तो चलो जो भी सरकार है लेकिन काम तो ये नीचे ऑफिसर्स करते हैं। मान लेते हैं आपकी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का, हालांकि मैं कोई इसका चेयरमैन वगैरह नहीं रहा हूं, फिर भी मैं एज ए व्यापारी होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं, जो भी मसले व्यापारियों के हैं, उद्योगपतियों के हैं, किसी के साथ कोई ज्यादति नहीं होने दी जाएगी, जिसका जितना बनता है उससे जाति तो हो रही है ना विनोद जी? विनोद जी जाति तो हो रही है, नहीं बबला जी अभी तो हम इकट्ठे हुए हैं सभी। सुनो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो पिछले अगर मान लो 2004 से लेके 2015 तक हम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, वो सारा का सारा अब कहाँ आया, किस खाते में आया, कौन सी रसीद कटी, कौन से बैंक में आया, वो सारा का सारा डाटा हम हमारा कंप्यूटर में डल रहा है। उसके बाद देखो इस सब काम में समय लगता है, अब जब ये सारा काम ओके हो जाएगा उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये जो हमारी टैक्स की जो कमेटी है इसका इसके बावजूद अगर व्यापारी जो नोटिस आ गए हैं वो तो लोग पैसे अगर जमा करवा देंगे तो फिर उनको वापस कहाँ से मिलेंगे? उद्योगपतियों के साथ करें, सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा का सारा उद्योगपतियों के साथ व्यापार
फर्म साथ मिलके इसको सिस्टम को ठीक करवाएंगे और किसी भाई के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी से ज्यादा पैसे ना लिए जाए, उसका पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। विनोद जी पर आप कितना पीछे जा सकते हैं, जब से साला हमारा जन्म हुआ तब तो मतलब आप तो वहां तक पहुंच जाएंगे, चार पांच साल पीछे जाइए ना साला, तो आप तो 20 साल पीछे चले गए। मैं आपको बता दूं ये 20 साल पीछे जाने का मतलब है जब हमारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहा है। जो लोगों से देखो, पिछले साल जब 2017 के मैं यहाँ पर चुन के आया था, उस समय जब प्रॉपर्टी टैक्स हमने मांगा था तो ऐसे ही लोगों को वो थी अनिश्चा की स्थिति बनी हुई थी, हम कितना प्रॉपर्टी टैक्स दें, तो बहुत सारे लोगों ने दिया नहीं था तो उन्होंने जमा कराया है प्रॉपर्टी टैक्स। जिसने नहीं, जिसने नहीं दिया उसको तो बिल लाए ना, जिसने दे दिया चार बार ठीक करा दिया उसको क्यों आ रहा गलत बिल? हाँ तो विनोद जी सारा कंप्यूटराइज होने के बाद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। विनोद जी अच्छा सुन लो, विनोद जी हम ये कह रहे हैं आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड हो रहा है तो पहले या तो एडमिनिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेशन उसे पहले कंप्यूटराइज्ड कर लेता तब व्यापारियों को भेजते हैं। जब ऑलरेडी व्यापारी कोरोना से ऑलरेडी ग्रस्त है, बंद के कारण ऑलरेडी भविष्य खतरे में है, व्यापारी को समझ नहीं आ रहा कि वो जो बिजनेस कर रहे थे वही करें या कुछ नए जिंदगी में आयाम अपनाएं नया व्यापार करने के, ऐसे में आप उठा के प्रिंट आउट भेज दिया आपने नोटिस ये प्रॉपर्टी टैक्सेस के, तो पहले इसके अंदर हमने प्रिंट आउट भेज दिए विद इंक्रीज टैक्स भरने में छूट दी है, टैक्स भरने में छूट दिया। जो कोरोना का जो पीरियड है वो हमारा मार्च के बाद अप्रैल मई का पीरियड है, इसके बाद इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, तो सारा सिस्टम रेगुलर चल रहा है। अब एक सिस्टम के अंदर जब हम कोई काम कर रहे हैं तो एक बिल भी आ रहे हैं, चाहे बिजली के भी है, चाहे पानी के भी है, सबके बिल आ रहे हैं, सरकार को तो अपना काम करना है। उसमें सुनो, उसमें अगर कोई कहीं अपने को लगता है कोई कमी है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको ठीक करवा देंगे। कोई मतलब किसी भी व्यापारी से ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी उद्योगपति से ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। विनोद जी ऐसा था कि अगर आपने ये इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी टैक्स भेजा भी तो जब ये इंक्रीमेंट हो रहा था तब तो सदन में बात हुई होगी ना, तब तो आपके सभी जनप्रतिनिधि साथ होंगे, अकेला कमिश्नर ने तो या अकेले म्युनिसिपल काउंसिल ने तो नहीं कर दिया होगा ये चीज, सभी पार्षदों की राय के साथ ही ये बात हुई होगी। नहीं नहीं, अब बात जो आ रही है वो ये आ रही है भी जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने गलत भेजा है, इंक्रीजिंग वाला मामला इसके अंदर नहीं है। अगर इंक्रीज है जी क्यों नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं इंक्रीज क्यों लगा दी, कह रहे हैं इस बात को नवीन जी कह रहे हैं तब से। नहीं नहीं, जो 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 टैक्स मांगा जा रहा है देखो, जो इंक्रीज है वो तो इस साल से है, अब जो पिछले साल का जो बिल लोगों ने देना है वो तो देना ही पड़ेगा ना जी, तो इंक्रीज भी क्यों लगा दी हुई है? आपको कोई नजर आ रहा है कि बहुत काम लोगों के चल रहे हैं? नहीं नहीं, चलो वो उसको देख लेंगे। मैं एक बात आपको पुनः कहता हूँ कि व्यापारियों के साथ, किसी उद्योगपतियों के साथ जो भी ये कमर्शियल जो टैक्स जो भी लोग दे रहे हैं उनका जितना होना चाहिए हम उनसे उतना ही लेंगे। और विनोद जी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आया हूँ, दोबारा आप अपडेटेड नहीं है, मेरी तो शायद लास्ट एक हफ्ते में PhD हो गई है इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में, चार मुद्दे जो मैंने पॉइंट आउट करे हैं इनको, पिछला सारा क्लियर हो चुका है, 20-25% इस साल इंक्रीज हुई है, जबकि ऑलरेडी हम पंचकुला मोहाली ऑल ओवर इंडिया 10-10 गुना टैक्स दे रहे हैं, 25% इंक्रीज क्यों? जब एडमिनिस्ट्रेशन स्कूलों की फीस बढ़ा के बड़ी हुई फरवरी की मंजूर करी हुई रोल बैक करवा सकती है तो खुद अपनी इंक्रीज करी हुई रोल बैक क्यों नहीं कर सकती, वेव क्यों नहीं कर सकती? एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स ना ले, वेव कर दे, MSME को कुछ रिलीफ दे, क्या प्रॉब्लम है बताओ? दिस इज द लीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू, 25% इंक्रीज और फिर ऊपर से नजायज। मेरे पास नो ड्यूज कत्ती 3/19 का है और मेरी अपना 6 गुना 20,000 बनता है, मेरे पास 90,000 का बिल आ गया, एक प्लॉट का 15,000 बनता है, 6.5 लाख आ गया, वो क्यों आ रहा है? ये गलतियां मतलब हम हैरेसमेंट के लिए है कि मतलब इनके चक्कर काटते रहे, सर्टिफिकेट देने के बाद ऐसे ऐसे नजायज पेमेंट लगवाई जा रहे हैं सारे। विनोद जी जल्दी बताएं कि क्या ये इंक्रीमेंट जो है कमला जी की नॉलेज में भी है, दिवेश मुदगिल जी जब मेयर थे, एक सेकंड जी, कुछ पॉकेट्स इन्होंने जोनिंग गलत करी हुई है शुरू से, 15 साल से हमारा जोन 1 में लिए जा रहे थे, कहते जब तक नोटिफाई नहीं होगा हम जोन 2 नहीं कर सकते, कैब मीटिंग ने पास करा December 2018 में, 2019 मार्च में लेटर दे दी गई कि ये मंजूर हो गया, लेकिन अभी तक वो जोन 1 का बिल हो रहा है, वो पॉकेट्स का जो है पर्टिकुलर एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 में, 25% का फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स एक्स्ट्रा लेने का,
जो हम दो साल से डिसीजन होने के बाद भी दो साल से एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं क्यों नोटिफिकेशन होती? क्यों साल साल जब प्रॉपर्टी टैक्स बिल आता है फिर ये सोए जाते हैं, सारा साल वेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करता, जब बिल आता है फिर भागते हैं, अभी ठीक करते हैं जी, ये जोन ठीक कराते हैं जी, ये करते हैं, आप बिल लाओ, ये लाओ, वाय सो? और अभी ये टाइम ही नहीं है कि एक दो महीने में ये बिल सारे ठीक कर दें। 70% बिल में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, 70% बिल जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के हैं। और नवीन जी ठीक कर पाएंगे ये? नवीन इन्हों का टाइम जरा 30 जुलाई है, वो भी निकल जाना, खत्म हो जाना, फिर उसके बाद की होगा? 25% एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंदा डेडिकेट किया, दिन च 4 बिल ठीक करता हो, और 1000 बिल आना है इन्होंने ठीक करने वास्ते, कितना टाइम चाहिए? 500 दिन, 300 दिन, 1 साल लग जाएगा ठीक होने बिल। रिकॉर्ड इन्होंने को है, बिना रसीद दिते ठीक कर रहे हैं। मान ली कि मैं गल, मैं 4 बिल ठीक करवा चुका बिना कोई रिकॉर्ड दिते, फोन पे दिता कमिश्नर नू, उन्हें शाम नू करेक्ट करके बिल देता कि तुहाडे बिल पेड है सारे, ते बाकी क्यों नहीं जी सारे फिर चेक करके देंदे इको वारी, क्यों गलती वाले बिल सानू डिस्पैच करी जा रहे हैं? यार इना इना ना कोई लीगल ओपिनियन लवो, अदरवाइज तो रोज असि दुखी हो जाएंगे। नवीन विनोद जी ने आपकी बात को बहुत अच्छे से तसल्ली बख्श सुना है, मुझे लगता है कि विनोद जी कुछ कॉन्क्रीट इस पे जवाब देंगे। विनोद जी आप बोले, हम सब सुन रहे हैं। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी कारण से अगर किसी के बिल गलत आ गए हैं तो उनको ठीक करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल जब हमने पूरे 15-20 साल का इकट्ठे लोगों से बिल लिए थे तो लोगों के जो बिल गलत आए थे सबको ठीक करके हमने लिया है, ऐसी कोई बात जुलाई के पहले ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल की संख्या बहुत ज्यादा है। भाई साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आपको मैं, सब तक हम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, वो सारा का सारा अब कहाँ आया, किस खाते में आया, कौन सी रसीद कटी, कौन से बैंक में आया, वो सारा का सारा डाटा हम हमारा कंप्यूटर में डल रहा है। उसके बाद देखो इस सब काम में समय लगता है, अब जब ये सारा काम ओके हो जाएगा उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये जो हमारी टैक्स की जो कमेटी है इसका इसके बावजूद अगर व्यापारी जो नोटिस आ गए हैं इसको सिस्टम को ठीक करवाएंगे और किसी भाई के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी से ज्यादा पैसे ना लिए जाए, उसका पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। विनोद जी पर आप कितना पीछे जा सकते हैं, जब से साला हमारा जन्म हुआ तब तो मतलब आप तो वहां तक पहुंच जाएंगे, 4-5 साल पीछे जाइए ना साला, तो आप तो 20 साल पीछे चले गए। मैं आपको बता दूं ये 20 साल पीछे जाने का मतलब है जब हमारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहा है, जो लोगों से देखो पिछले साल जब 2017 के मैं यहाँ पर चुन के आया था, उस समय जब प्रॉपर्टी टैक्स हमने मांगा था तो ऐसे ही लोगों को वो थी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई थी भी, हम कितना प्रॉपर्टी टैक्स दें, तो बहुत सारे लोगों ने दिया नहीं था तो उन्होंने जमा कराया है प्रॉपर्टी टैक्स। जिसने नहीं दिया उसको तो बिल आए ना, जिसने दे दिया 4 बार ठीक करा दिया उसको क्यों आ रहा गलत बिल? तो विनोद जी सारा डाटा आप ये बात हमारा प्रति किया जाएगा है, कंप्यूटराइज होने के बाद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो सारा विनोद जी, अच्छा सुन तो लीजिए विनोद जी, हम ये कह रहे हैं आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड हो रहा है तो पहले या तो एडमिनिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेशन उसे पहले कंप्यूटराइज्ड कर लेता तब व्यापारियों को भेजते हैं। जब ऑलरेडी व्यापारी कोरोना से ऑलरेडी ग्रस्त है, बंद के कारण ऑलरेडी भविष्य खतरे में है, व्यापारी को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो बिजनेस कर रहे थे वही करें या कुछ नए जिंदगी में आयाम अपना है नया व्यापार करने के, ऐसे में आप उठा के प्रिंट आउट भेज दिया आपने नोटिस ये प्रॉपर्टी टैक्सेस के, तो पहले इसके अंदर हमने प्रिंट आउट भेज दिए विद इंक्रीज टैक्स भरने में छूट दी है, टैक्स भरने में छूट दिया। जो कोरोना का जो पीरियड है वो हमारा मार्च के बाद अप्रैल मई का पीरियड है, इसके बाद इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, तो सारा सिस्टम रेगुलर चल रहा है। अब एक सिस्टम के अंदर जब हम कोई काम कर रहे हैं तो एक बिल भी आ रहे हैं, चाहे बिजली के भी हैं, चाहे पानी के भी हैं, सबके बिल आ रहे हैं, सरकार को तो अपना काम करना है। उसमें सुनो, उसमें अगर कोई कहीं अपने को लगता है कोई कमी है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको ठीक करवा देंगे, कोई मतलब किसी भी व्यापारी से ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी उद्योगपति से ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। विनोद जी ऐसा था कि अगर आपने ये इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी टैक्स भेजा भी तो जब ये इंक्रीमेंट हो रहा था तब तो सदन में बात हुई होगी ना, तब तो आपके सभी जनप्रतिनिधि साथ होंगे,
अकेला कमिश्नर ने तो या अकेले म्युनिसिपल काउंसिल ने तो नहीं कर दिया होगा ये चीज, सभी पार्षदों की राय के साथ ही ये बात हुई होगी। नहीं नहीं, अब बात जो आ रही है वो ये आ रही है भी जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने गलत भेजा है, इंक्रीजिंग वाला मामला इसके अंदर नहीं है। अगर इंक्रीज है जी क्यों नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं इंक्रीज क्यों लगा जी, कह रहे हैं इस बात को नवीन जी कह रहे हैं तब से। नहीं नहीं, जो 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 टैक्स मांगा जा रहा है देखो, जो इंक्रीज है वो तो इस साल से है, अब जो पिछले साल का जो बिल लोगों ने देना है वो तो देना ही पड़ेगा ना जी। तो इंक्रीज भी क्यों लगा दी हुई है, आपको कोई नजर आ रहा है कि बहुत काम लोगों के चल रहे हैं? नहीं नहीं, चलो वो उसको देख लेंगे। मैं एक बात आपको पुनः कहता हूँ कि व्यापारियों के साथ, किसी उद्योगपतियों के साथ जो भी ये कमर्शियल जो टैक्स जो भी लोग दे रहे हैं, उनका जितना होना चाहिए हम उनसे उतना ही लेंगे। और विनोद जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आया हूँ, दोबारा आप अपडेटेड नहीं है। मेरी तो शायद लास्ट एक हफ्ते में PhD हो गई है इसमें, प्रॉपर्टी टैक्स में। चार मुद्दे जो मैंने पॉइंट आउट करे हैं इनको, पिछला सारा क्लियर हो चुका है, 20-25% इस साल इंक्रीज हुई है, जबकि ऑलरेडी हम पंचकुला मोहाली ऑल ओवर इंडिया 10-10 गुना टैक्स दे रहे हैं, 25% इंक्रीज क्यों? जब एडमिनिस्ट्रेशन स्कूलों की फीस बढ़ा के बड़ी हुई फरवरी की मंजूर करी हुई रोल बैक करवा सकती है, तो खुद अपनी इंक्रीज करी हुई रोल बैक क्यों नहीं कर सकती, वेव क्यों नहीं कर सकती? एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स ना ले, वेव कर दे, MSME को कुछ रिलीफ दे, क्या प्रॉब्लम है बताओ? दिस इज द लीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू। 25% इंक्रीज और फिर ऊपर से नजायज, मेरे पास नो ड्यूज कत्ती 3/19 का है और मेरी अपना 6 गुना 20,000 बनता है, मेरे पास 90,000 का बिल आ गया, 1 प्लॉट का 15,000 बनता है, 1.5 लाख आ गया, वो क्यों आ रहा है? ये गलतियां मतलब हम हैरेसमेंट के लिए है कि मतलब इनके चक्कर काटते रहे? सर्टिफिकेट देने के बाद ऐसे ऐसे नजायज पेमेंट लगवाई जा रहे हैं सारे। विनोद जी जल्दी बताएं कि क्या ये इंक्रीमेंट जो है, बबला जी की नॉलेज में भी है, दिवेश मुदगिल जी जब मेयर थे, एक सेकंड जी, कुछ पॉकेट्स इन्होंने जोनिंग गलत करी हुई है शुरू से, 15 साल से हमारा जोन 1 में लिए जा रहे थे, कहते जब तक नोटिफाई नहीं होगा हम जोन 2 नहीं कर सकते, क्या आप ठीक रहे हो? हाउस मीटिंग ने पास करा December 2018 में, 2019 मार्च में लेटर दे दी गई कि ये मंजूर हो गया है, लेकिन अभी तक वो जोन 1 का बिल हो रहा है, वो पॉकेट्स का जो है पर्टिकुलर एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 में, 25% का फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स एक्स्ट्रा लेने का, जो हम 2 साल से डिसीजन होने के बाद भी 2 साल से एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं क्यों नोटिफिकेशन होती, क्यों साल साल जब प्रॉपर्टी टैक्स बिल आता है फिर ये सोए जाते हैं, सारा साल वेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करता, जब बिल आता है फिर भागते हैं, अभी ठीक करते हैं जी, ये जोन ठीक कराते हैं जी, ये करते हैं, आप बिल लाओ ये लाओ, वाई सो? और अभी ये टाइम ही नहीं है कि 1-2 महीने में ये बिल सारे ठीक कर दें। 70% बिल में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, 70% बिल जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के हैं, और नवीन जी ठीक कर पाएंगे ये? नवीन इन्हों का टाइम जो है 30 जुलाई है, वो भी निकल जाना, खत्म हो जाना, फिर उसके बाद की होगा? 25% एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंदा डेडिकेट किया, दिन च 4 बिल ठीक करता है, और 1,000 बिल आना है इन्हों को ठीक करने वास्ते, कितना टाइम चाहिए? 500 दिन, 300 दिन, 1 साल लग जाएगा ठीक होने बिल। रिकॉर्ड इन्हों को है, बिना रसीद दिते ठीक कर रहे हैं। मान ली कि मैं गल, मैं 4 बिल ठीक करवा चुका बिना कोई रिकॉर्ड देते, फोन पे दिता कमिश्नर नू, उन्हें शाम नू करेक्ट करके बिल देता कि तुहाडे बिल पेड है सारे, ते बाकी क्यों नहीं जी सारे फिर चेक करके देंदे इको वारी, क्यों गलती वाले बिल सानू डिस्पैच करी जा रहे हैं? यार इना इना ना कोई लीगल ओपिनियन लवो, अदरवाइज रोज असि दुखी हो जाएंगे। नवीन विरोध क्या कहना चाहेंगे? हार्ट अटैक आ गया, 12-12 लाख रुपए का बिल आ गया, हार्ट अटैक दे देंगे, SMS आंदा है फिर बिल आंदा है। नवीन जी मैं 2 मिनट चाहूंगा, विनोद जी ने आपकी बात को बहुत अच्छे से तसल्ली बख्श सुना है, मुझे लगता है कि विनोद जी कुछ कॉन्क्रीट इस पे जवाब देंगे। विनोद जी आप बोले, हम सब सुन रहे हैं। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी कारण से अगर किसी के बिल गलत आ गए हैं तो उनको ठीक करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल जब हमने पूरे 15-20 साल का इकट्ठे लोगों से बिल लिए थे, तो लोगों के जो बिल गलत आए थे सबको ठीक करके हमने लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास नहीं हो पाएंगे 4 बिल ठीक होने के लिए, 31 जुलाई के पहले ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल की संख्या बहुत ज्यादा है। भाई साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि
जितना मर्जी टाइम लगे हम उसको समय से पहले ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने मर्जी बिल हो, क्योंकि हमने पिछले साल भी जब 15-20 साल के इकट्ठे बिलों को हमने सिस्टम को ठीक करके लिया है, तो इस बार तो बहुत कम है हमारे पास बिल, तो सबको ठीक नहीं सर, सिस्टम अपडेट ही नहीं हुआ, सारी गलतियां वही रिपीट हुई हैं, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। मैं एक बार बिल्स में गलतियां आ रही हैं दोबारा। मैं आपको बताऊं, मेरे को आज अपना पता चला कि इतनी भारी कुछ गलतियां हो रही है, मैं इसको एक दो दिन के अंदर जाके सारी बात को एकदम अपने पर्सनली जाके इसको चेक करवा के देखता हूं, और बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगा हफ्ते 10 दिन में सभी व्यापारियों के सभी उद्योगपतियों के बिल हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपको दिक्कत नहीं करना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं गलतियों की बात, यहाँ पे अरुण महाजन जी और नवीन जी एक बात कह रहे हैं कि आप वो गलती की डेफिनेशन बताएं कि जो बढ़े हुए बिल आए क्या वो बढ़े हुए नहीं आएंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स आए जो बढ़ोतरी की गई है करीब करीब 20% की। एक मिनट जैन साहब एक और क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिनट जी जैन साहब गल सुनो, तुसी कहंदे हो गलतियां किस तरह होईयां, अगर असी सारी डिटेल डिपार्टमेंट नू कॉर्पोरेशन नू दित्ती हुई सी, साडा रिकॉर्ड कित्थे गायब हो गया उत्थों, ओदा कौन आंसरेबल है, जां तां तुसी किसे कोलों थर्ड पार्टी कोलों काम करवाया है, उन्होंने काम नहीं किया, साडी जिन्नियां भी रसीट्स वगैरह सारियां उत्थों गायब हो गई है, अगर रिकॉर्ड साडे कोल हैगा सी तुहानू भी उहदी कॉपी दित्ती हुई है कॉर्पोरेशन नू, गुप्ता साहब जुड़े हैं, हम सबकी जो हमने अभी तक जो चर्चा करी मैं एक बार गुप्ता साहब से कर दूं, क्योंकि गुप्ता साहब शायद किसी काम से अभी चले गए थे, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका गुप्ता साहब। गुप्ता साहब थोड़ा जल्द से बताएं, सभी हम लोग जो अभी तक चर्चा कर रहे थे मुद्दा यही है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिसेज आए हैं उसमें गलतियां हैं, ऊपर से बढ़ोतरी अलग से की गई है, बार बार ये बात आ रही है, हर व्यापारी यही कह रहे हैं कि भाई हमने जब लास्ट ईयर बैठ के हर चीज रिकनसाइल करवाई है तो फिर से इस तरह की दिक्कत हैरेसमेंट हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। गुप्ता साहब कृपया थोड़ा डिटेलिंग दें इस पे, क्या है मामला सर? ऐसा है, कुछ तो जो पहले इंटरेस्ट पार्ट है उनमें है, वो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल नहीं आएगी वो नहीं हटा पाएंगे, अगर कोई फिर भी अगर किसी ने पूरी पेमेंट की हुई है, कल हम निगरानी साहब के ऑफिस में ही कैंप लगा रहे हैं, कल जो ऑन द स्पॉट हम सभी को ठीक करके वहीं ऑन द स्पॉट जो क्लियरेंस इशू कर देंगे जिनका कोई है, और जो इन्होंने वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका रिकॉर्ड होगा सॉफ्ट कॉपी होगी, क्योंकि हर बंदा इधर इकट्ठा हम नहीं चाहते कोरोना के टाइम पे लो इकट्ठे हो। पहले मेरी बात प्लीज पूरी सुन ले, जो आपने 40 लोगों की लिस्ट भेजी है वो मैं आज उसको कंप्लीट करके कल है जी, आज 60 हो गई है, कोई मुझे भेज दो वो भी मैं कल कोशिश करूंगा कल वो आपको कंप्लीट ठीक करके, जो भी अगर नहीं होने वाली होगी कि जिसमें इंटरेस्ट पार्ट है या कोई और वजह से है वो आपको कल बता देंगे हम, और जिनके क्लियर हैं तो उनका क्लियर करके आपको ऑनलाइन चेक करवा के आपकी सेटिस्फेक्शन करवा के ही आपके पास से जाएंगे। मेरा पूछने का मतलब गुप्ता साहब ये था कि जो रिकॉर्ड होगा जो इधर आएंगे, बिकॉज हम वो लैपटॉप में तो जो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो तो हम लैपटॉप में लेके ही आएंगे, लेकिन यूजुअल फाइल नहीं, चार पांच ठीक करवाए हैं, मैं कह रहा हूँ चार पांच आपने ठीक करवाया, हमने कोई रिसीट नहीं दी पहले, हाँ जी हमने अपने रिकॉर्ड से चेक करके दिया, हाँ जी हाँ जी, ऐसा ऐसा बाकी भी हो जाए तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो, हाँ जमा करना है, बाकी इंक्रीज वगैरह के आई डोंट थिंक क्या उसकी सर ऐसा है, कल आएंगे जो आपके सर जो पहले आपने लिस्ट दी है उसका हम कल आपको क्लियर करके दे देंगे, जो नेक्स्ट लिस्ट है मुझे दे देना वो मैं आपको कंप्लीट करके एक दो दिन में दे दूंगा, ठीक है ठीक है। मैंने अब जब तक इंडस्ट्री एरिया का ये सारा इशू नहीं होगा आपके पास ही आएंगे हम, ना पर्सनली की बात है गुप्ता जी, ओदे बाद तुसी एनओसी भी इशू करो, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। गुप्ता जी क्या ये बढ़ोतरी जो आप की गई है, तकरीबन कहा जा रहा है कि 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, तो ये बढ़ोतरी बनी रहेगी या इसमें कोई जस्टिफाइड नहीं है इंक्रीज? ऐसा है, बढ़ोतरी की गई है वो पहले
हमारे एक सेट प्रोसीजर है, हमारे बायलॉज में है कि एवरी ईयर रिव्यू करना है। रिव्यू के लिए पहले ऑफिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें उसके बाद हॉस टैक्स असेसमेंट कमेटी में हम लेके जाते हैं कोई बढ़ोतरी है, और उसके बाद हॉस में अप्रूवल के लिए गई थी। जो ये 20% या जो भी हमने बढ़ोतरी की है पहले हाउस ने अप्रूवल की है, उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब की अप्रूवल के बाद ही बढ़ोतरी हुई है। कोई हमारे अपने ऑफिसर लेवल की नहीं है, वो गवर्नमेंट ने अप्रूवल हुई है। वो तो अगर कोई आपने सुना गुप्ता साहब ने कुछ बताया अभी जैसा भी, एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे गुप्ता जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि ये एक हाउस में पास हुआ था एजेंडा, तो तब ये फीस बढ़ी थी, लेकिन इसको लेके अरुण सूरी जी ने ये लास्ट वीक गवर्नर साहब को दोबारा रिक्वेस्ट दी है कि कोरोना वायरस के कारण जो मतलब जो हम जिस महामारी से निकल रहे हैं तो इसको 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 दोबारा इसको सोचा जाए, तो गवर्नर साहब ने ट्वीट करके हमें ओके कर दिया था, तो वी आर होप के नेक्स्ट वीक इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होगी। अभी जी एक और बात है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स 20% वेव तो मतलब इस पर इंक्रीज तो होना नहीं चाहिए, ये रिव्यू होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारा चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत रेट हाई है। पता नहीं ये इन्होंने क्या बेस और क्रिटेरिया लेते हैं, दैट हाउस नोज बेटर, लेकिन बहुत 10 गुना रेट बहुत ज्यादा है पंचकुला मोहाली से। इसके ऊपर मैं नवीन जी आपके साथ बैठ जाऊंगा, एक बार डिस्कस पूरा पॉइंट लेके फिर दोबारा बात करेंगे। 20% तो हाइक परमानेंटली मतलब ये साल के लिए नहीं, अभी इंक्रीज होनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत हाई है, 5-6 गुना ऑलरेडी है। नहीं पर नवीन जी जो अभी इंक्रीमेंट की बात है, जैसा अभी जी बता रहे हैं कि अरुण सूद जी ने अगर ये बात रखी थी, और गवर्नर साहब ने जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि इस पर फिर से रिव्यू किया जाएगा, तो कल अगर कॉर्पोरेशन की टीम आती है और वो रेक्टिफाई करने की बात कर रही है कि हम तुरंत जो भी गलतियां हुई हम रेक्टिफाई कर देंगे, तो बढ़ोतरी तो फिर भी बनी हुई है, बढ़ोतरी तो बनी रहेगी। हाँ इन वो ये कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने गुप्ता जी ने जैसे बताया वो इनके हाथ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन इशू हुए थे, अगर इनमें सुधार की अगर व्यवस्था करनी है तो कल अगर टीम आ भी रही है तो अगर ये तो इन्होंने बस पूछताछ रिकनसाइल करके और आपको एज इट इज पकड़ा देना है, जो कि जिसके ऊपर आप बता रहे हैं कि 15-20% जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, इन्होंने एरियर्स खाली ठीक करने हैं, इंक्रीज वाला इशू जून में अभी सारा पड़ा है, हम वेट कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए। इस साल 20% होल्ड कर लिया और अभी इंक्रीज ही नहीं होगी, तो वी विल वेलकम दैट स्टेप, वी विल श्योरली वेलकम। गुप्ता जी क्या के टाइम पे कोई बता सकते हैं, रिलीफ चाहते हैं ना के पेनल्टी चाहते हैं? हां जी हेलो नवीन जी, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि गुप्ता साहब आप इस पे कुछ गाइड कर सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसीज अमेंडमेंट ला सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि यहां पे अगर ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता हो? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है कि वो कर सकते हैं रिव्यू, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर सर ने करनी है। अगर वो रेट रिड्यूस करना चाहते हैं या कोई पार्ट वेव ऑफ करना चाहते हैं, सारी पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पहले हाउस में पास होगा कोई भी अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है नोटिफिकेशन के लिए। अगर रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, जो भी करना है या वेव ऑफ करना है कोई भी, जैसे अब जो इंटरेस्ट हमने वेव ऑफ किया है हाउस ने पास कर दिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा है, उसमें अब कल ही कोई लेटर आई है, उसमें कुछ उनकी 2-4 क्यूरीज हैं, वो क्यूरीज का हम जवाब रिप्लाई कर देंगे। जब हमने इसका डटकर विरोध किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, कभी पार्किंग टैक्स, कभी वाटर टैक्स, कभी काउंसिल टैक्स, कभी कोई टैक्स, तो हमने कहा था कि अभी जो भी है व्यापारी वर्ग जो है वो जहाँ उद्योगपति है वो अभी तक पूरी तरह से अपने काम में जो है उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाइए, उस दिन के मिनट्स निकाल लीजिए, आपके पास एक ही कॉपी जो मिनट्स की अगर चाहिए हुई मैं भेज दूंगा आपको। बबला साहब उस मिनट्स के अंदर हमने देखा गया है ये ऐसी विडंबना क्यों होती है? बबला साहब सुनिए सुनिए एक मिनट जी। और हमने उस दिन वॉकआउट किया, कांग्रेस पार्टी ने उस दिन वॉकआउट किया, इस टैक्स के खिलाफ है, आप उसकी कॉपी लेके नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, हमने बताया आपको कि ये मेजॉरिटी में है, हम जान रहे हैं इस बात को जी सर, लेकिन बात वही आती है बबला साहब की हर मुद्दा राजनीतिक विषय बन के क्यों रह जाता है शहर में? कॉर्पोरेशन ये कह रहा है कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगा हम उसकी तामील करेंगे, बिल्कुल सही बात है, जो है वो इसका इसका जिम्मेवार कौन है? एक सर नोटिस भेज दिए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है?
मैं प्रशासन जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो वहां पे हाउस के अंदर पास होता है वो उसी मुद्दे को लेके आगे जाती है। अब उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के 22 काउंसलर तो चुनकर आए हुए हैं और 9 काउंसलर जो हैं वो नॉमिनेट किए हुए हैं इन्होंने, 22 और 9 31, हम हैं 5 लोग। 5 लोग हम अपनी आवाज विरोध कर सकते हैं, पर इनको चाहिए ना कि अगर ये मेजोरिटी के अंदर पास करते हैं तो पास करने से पहले वो देखे कि उद्योगपति और बिजनेसमैन और दूसरे लोगों के ऊपर कितना वजन पड़ रहा है, इन्होंने नहीं देखा। हमने अपनी भूमिका पूरी निभाई, आपका साथ दिया और वहां जब हमारी बात नहीं मानी इन्होंने, हम वहां से वॉकआउट करके प्रोटेस्ट करके वहां से चले आए। अब ये नोटिफिकेशन किसने करवाई, पास किसने कराया, जिसके ऊपर आज काबिज है, जो नगर निगम के ऊपर जो पार्टी काबिज है ये उन्हीं ने कराए। बबला साहब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी लोगों ने हम अपने अच्छी वार्तालाप रही है। गुप्ता साहब आप हमें थोड़ा सा टेक्निकली गाइड करें, सभी व्यापारियों ने केवल एक ही बात करी, मैं फिर से इस चर्चा को दोहराना चाहूंगा, बस प्रिसाइजली आपसे जानना चाहेंगे गुप्ता साहब कि टेक्निकली किस तरह से हम व्यापारियों को एक सहायता या एक रिलीफ देने की कंडीशन में है कॉर्पोरेशन की तरफ से, व्यापारी वर्ग मेरी तरफ से तो जो समझ सकता है जो जो मॉडिफिकेशन है उसके मुताबिक जो इनका राइट है वो हम देने की बिल्कुल देंगे, और जो इनकी वो कंप्लेंट है कि एक्सेस पेमेंट नोटिस आए हैं या एरियर्स लग के आए हैं, कल मेरे पास पहले मुगलानी जी ने लिस्ट भेजी थी वो मैं कंप्लीट करके कल इनके ऑफिस में कैंप लगाऊंगा, और जो भी अगली लिस्ट होगी जल्दी से जल्दी मैं उसको रेक्टिफाई करवा के ऑन द स्पॉट अकेले खोले को कोई भी है वो चेक करूंगा कि हाँ जी अब इनकी सेटिस्फेक्शन है और वो रेक्टिफाई हो चुके हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर। जब तक मेरे वहां इंडस्ट्रियल एरिया का कोई मुद्दा नहीं निपटेगा तब तक हम वहां बैठेंगे। हेलो, अगर दो किसी आदमी आवाज थोड़ा सा इको आ रहा है, आवाज मेरी अब नहीं। जी जी बोलें गुप्ता साहब, बोलें। अभी हेलो, अभी आवाज आ रही है? आज कर रही है सर आपकी आवाज। हेलो, आवाज सर। हेलो, ठीक चलिए अब आवाज प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया है 6 मई 2008 में, आपने नोटिस निकाल दी सर। आवाज अभी टेक्निकल इशू है, मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे साथ। आज आज हमारी जो चर्चा का विषय था अर्थप्रकाश टीवी पर, वेबिनार का विषय था हमारा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो जिस तरह से नोटिस किए गए हैं, मुद्दा यही था कि इन प्रॉपर्टी टैक्स को फिर से रिकंसाइल किया जाए और फिर से कॉर्पोरेशन, चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन और चंडीगढ़ सदन जो म्यूनिसिपल काउंसिल का सदन है वो इसको फिर से देखे। अगर मुद्दा ये है कि जो बढ़ोतरी हुई है व्यापारियों के ऊपर, डबल मार करी गई है जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के भेजे गए हैं, जैसा कि व्यापारी जितने भी व्यापारी थे उन्होंने भी ये बात रखी कि इस बढ़ोतरी को फिर से एक बार रिव्यू किया जाए। गुप्ता साहब जो हमारे साथ जुड़े कॉर्पोरेशन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे पास जो भी इश्यूज आते हैं या जो भी इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस आती हैं वो सदन में पहले पास होकर आती हैं, तो ऐसे में सीधे सीधे कॉर्पोरेशन को कटघरे में खड़े करना सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं सदन से होकर आ रही होती है जैसा कि हम सभी जान रहे हैं इस बात को। तो मुद्दा यह था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि व्यापारियों को एक डबल मार के रूप में कोरोना संकट काल में आज इनको परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं हैरेसमेंट बना है, हम सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि इन बात को पूरी तरह से सुने समझें और जो भी रिकवरी की प्रोसेस है उसको तर्कसंगत ही करें, कोरोना संकट काल को ध्यान में रखते हुए करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अर्थप्रकाश टीवी पर बने रहने के लिए फिर से मुलाकात करते हैं किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।